Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today, 31st January 2019, Thursday, इस वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज मंथली एक्सपायरी का दिन है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का. तो आज काफी उथल पुथल हो सकती है मार्केट में. कल नेक्स्ट डे बजट सेशन है, तो ये दो दिन जो फ्रेशर्स है, जो सेफ ट्रेडर्स है मार्केट में, वो ये दो दिन अवॉइड करें ट्रेड करना, क्योंकि जैसे बजट के बारे में कैसे न्यूज आते हैं उसके हिसाब से मार्केट में वोलेटाइल मूव देखने को मिलता है. तो बेटर है जो फ्रेशर्स है, सेफ ट्रेडर्स है, वो इस मार्केट फेस को अवॉइड करे, वेट एंड वॉच करे, कैसे मूव होता है मार्केट वो देखे, स्टडी करे. ठीक है, तो कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं और आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होगी ये देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 30th January 2019 आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है कल का. अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल था हमारा 10,700 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,582. तो आप जैसे कि देख रहे हैं इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का कैंडल स्टिक हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो कल निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही ये जस्ट हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ और सडन नीचे आ गया. ठीक है, ये सस्टेन नहीं कर पाया ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, और पूरे दिन हमारा जो ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल था इसके बीच में ये कंसोलिडेट होते रहा, साइडवेज पैटर्न हमें दिखाई दिया. तो यहाँ पर कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती. ठीक है, तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में भी जबरदस्त बढ़त देखने को मिली. डाउ जोन्स करीब 434 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार में भी बढ़त देखने को मिली. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट भी जबरदस्त बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 14 पॉइंट की वहां पर बढ़त देखने को मिल रही है. एसजीएक्स निफ्टी अभी 63 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से आज के लिए तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी हमारी. ये है निफ्टी का वीकली चार्ट. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो 50% का लेवल था 10,880, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था और यहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो रहा है. तो यहाँ पर जो इसने पास्ट में ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर इसने 1, 2, 3 ये 4 बार इसने यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया. तो हो सकता है आज लास्ट डे है, फिर से एक बार ये जो लेवल है 10,675 इसके ऊपर ये क्लोज हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 50 EMA का लाइन है एज पर वीकली चार्ट ये जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है. तो यहाँ से ये सपोर्ट है और ऊपर 10,880 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. मार्केट में साइडवेज पैटर्न दिखाई दे रहा है. आप देख सकते हैं ये लेवल 7-8 वीक हो चुके हैं, ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स. तो वीकली चार्ट में साइडवेज पैटर्न बना हुआ है. चलते हैं डेली चार्ट में. यह है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. हमने कल देखा था यहां पर एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. तो कल मार्केट पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ था, लेकिन फिर से एक बार जो ट्यूसडे का क्लोज था उसी के आसपास आकर क्लोज हुआ, यानी पूरा दिन कंसोलिडेट होते रहा. ठीक है, लेकिन एक बात देखें तो यहाँ पर हायर आया और हायर लो बनाया है, यानी प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के ऊपर इसने लास्ट डे का हाई और लो बनाया है. तो ये एक बुलिश पैटर्न है. हालांकि निफ्टी इंडेक्स निगेटिव में बंद हुआ, लेकिन पैटर्न हायर आया और हायर लो का बना है. ठीक है, और एक चीज है इसमें, ये तीनों शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस एज पर डेली चार्ट एक ही लेवल के आसपास आ रहे हैं, अराउंड 10,780. तो यहाँ पर अभी एक नेक्स्ट एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है, इसे पार करना काफी जरूरी होगा तो ही हमें एक अप ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल सकती है. अभी ये फिलहाल ये जो डाउन ट्रेंड आया इसका ये रिकवरी फेज है,
इसे अप ट्रेंड नहीं कह सकते जब तक ये लेवल ये यहाँ पर ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। अभी अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स आ सकते हैं एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये देखते हैं। ये जो फॉल है इसका हाई और लो पकड़ के हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस फॉल का जो 50% का लेवल है ये भी अराउंड 10,780 के पास आ रहा है, 785 to 780। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और उसके पहले 10,737 एक रेजिस्टेंस का लेवल है एज पर डेली चार्ट, ये जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो 780 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, और नीचे 10,583 ये अभी फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां पर हमने ये पास्ट में इसने यहाँ दो बार सपोर्ट लिया था अराउंड 580 के पास, ये यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट में देखा था हमने यहाँ से एक अपवर्ड मूव आता है, तो हो सकता है यहाँ पर से भी एक अपवर्ड मूव आए। तो सपोर्ट का काम 10,580 कर रहा है और ऊपर में 10,780 अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये था डेली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हो सकता है आज निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 60 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है। 20 EMA का लाइन है, फिर पिवट पॉइंट का R1 का, R2 का, 50 EMA का लाइन है, फिर 100 EMA का लाइन है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। तो ये दो दिन थोड़ा सा सेफ ट्रेडर्स है वो अवॉइड करे ट्रेड करना, काफी उथल पुथल हो सकता है मार्केट में। तो अगर ये कल का हाई अगर ब्रेक करता है, कल का ये जो हाई अगर ब्रेक करता है 10,710, हो सकता है आज गैप अप ओपन भी हो जाए, इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए बाय करने की बन सकती है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, और तभी हमारा ये फर्स्ट टारगेट जो है, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,735, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट 10,755 का होगा। गैप अप ओपन हो सकता है, वेट करें गैप अप ओपन होने के बाद, अगर ये सस्टेन करता है 10,710 तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर मौका हो सकता है। और टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये लेवल जो कि S1 का लेवल है 10,606, इसे अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हमारे लिए शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पर बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,583, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,560, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।